किसी पर्सन यादव तुम चुनाव लड़ो, जान रहे या जान चले जाए, छात्र संघ पर कब्जा करना है। उस तेवर को भी हम लोगों ने देखा है गोपाल। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जो है कि छोड़कर जा रहे हैं और आप ग्रहण किए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? दल बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, इस समय गाजीपुर हैं और सपा पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं हम, और यहाँ पे तमाम सारे लोग सपा पार्टी के नेतागण मौजूद हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, आखिरकार 2024 का चुनाव जो है कि बहुत नज़दीक आ गया है और आचार संहिता भी लगने वाली है, तो इसी में कुछ पद ग्रहण किया गया है और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार अगर पद ग्रहण करवाए हैं लोग तो क्या ये लोग जो है कि कमान संभाल पाएंगे 2024 के चुनाव में, जैसा कि कहा जा रहा है कि मोदी जी का लहर चल रहा है। हम जानने का प्रयास करेंगे। आप जिला अध्यक्ष हैं जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर। मैं गोपाल यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी गाजीपुर। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इन लोगों को, श्री रामदर्श यादव जी को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के राज्य कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य नामित किया है। भाई पूर्व महासचिव पार्टी के श्री शिवप्रसन्न यादव जी को समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव नामित किया गया है, और गाजीपुर जनपद की पूर्व चेयरमैन जिला पंचायत डॉक्टर श्रीमती सीमा यादव जी को समाजवादी महिला सभा का प्रदेश सचिव नामित किया गया है। मैं तीनों अपने सम्मानित ये पदाधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे विश्वास है कि समाजवादी आंदोलन, समाजवादी कतार, समाजवादी विचारधारा को आने वाले समय में ये हमारे तीनों सम्मानित नेता जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी की स्थापना से काम कर रहे हैं, ये इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। तो धरातल में क्या लगता है कि पद की गर्मियाँ बनाते हुए और काम कर पाएंगे क्षेत्र में? ये इनको बहुत लंबा अनुभव है, ये चौथी बार पांचवी बार प्रदेश कमेटी के सदस्य नामित हुए हैं श्री रामदर्श यादव जी, और समाजवादी यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष, छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष ये रह चुके हैं, पूर्व महासचिव मेन पार्टी के रह चुके हैं श्री शिवप्रसन्न यादव जी। एक बड़ा अनुभव है, संघर्ष इन्होंने किया है छात्र राजनीति से लेकर अब तक समाजवादी नीतियों कार्यक्रमों को ये ले जाकर धरातल स्तर तक लोगों को बताने का काम करेंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये काम किया है किसान के लिए, नौजवान के लिए, मजदूर के लिए, और उत्तर प्रदेश की ये जो लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी सरकार है, इसने पूरे प्रदेश और देश के लोगों को लूटने का काम किया है, लोगों का शोषण और अत्याचार किया है। इसी क्रम में हमारे बीच में डॉक्टर सीमा यादव जी हैं जो 1995 में गाजीपुर की जिला पंचायत की चेयरमैन हुई थी, ये गांव से निकली हुई हैं, महिलाओं की समस्याओं को, परेशानियों को, गांव की समस्याओं को बखूबी जानती हैं। हमारे इन तीनों नेताओं से मुझे बहुत ताकत मिलेगी गाजीपुर जनपद में, और 2024 का चुनाव हम लोग जो है कि गाजीपुर में पार्लियामेंट का फतह करेंगे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। चलिए हम जानना चाहेंगे, आपका स्वागत है, क्या नाम है? मैं सीमा यादव, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत गाजीपुर, और वर्तमान में मैं प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे प्रदेश महासचिव सचिव बना करके मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, और मुझे मंडल के प्रभारी भी बनाया गया है। मैं महिलाओं को और पूरे प्रदेश के और पूरे ज़िले की महिलाओं को सम्मान के लिए मैं सबसे आगे रहूंगी। तो समाज में क्या एजेंडा लेकर जो है कि आप चलेंगी? तमाम महिलाओं की परेशानियों को, तमाम हमारी बहनें जो हैं आए दिन प्रताड़ित होती हैं, इनके सम्मान के लिए मैं सबसे आगे रहूँगी। आपका स्वागत है जी, क्या नाम है? आपका भी स्वागत है और आपके चैनल का भी स्वागत है, सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रामदर्श यादव जी, कौन सा पद ग्रहण किया? सदस्य प्रदेश कार्य समिति समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। जहां पे समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जो है कि छोड़कर जा रहे हैं और आप ग्रहण किए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? दल बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। दल में आना और जाने का क्रम लगा रहता है, कोई आने जाने से फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग तो मुलायम सिंह के दस्ते के सिपाही हैं, और हम लोगों तो बहुत चुनौतियों का सामना किए हैं, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, सभी सरकारों के चुनौतियों का सामना किए हैं, और आने वाला समय में जो है पूरी जनता लामबंद होकर के समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी रहेगी, और हम लोग उसका नेतृत्व करेंगे, और पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में जो है
इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और पूरा हिंदुस्तान जो है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की निगाह जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव की तरफ टिकी हुई है। तो इस लहर में जो है कि धरातल पे आप ही लोगों का जो है कि ज़्यादा भूमिका रहता है, क्योंकि बड़े नेता तो जो है कि आते हैं और अपना भाषण और काम करके चले जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कि कमान संभालने वाले आप ही लोग हैं, तो क्या इस लहर में आप लोग संभाल लेंगे? हम लोग संगठन से जुड़े लोग हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जनता के बुनियादी सवालों को लेकर के हम लोग चलते हैं, तो हम लोग जो है जनता के बीच में माहौल बनाएंगे और बीजेपी सरकार को खदेड़ने का काम करेंगे। चलिए, और कुछ लोग हैं जो आज पद ग्रहण किए हैं जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। मैं शिव प्रसन्न यादव, ग्राम नारंगपुर, पोस्ट रानीपुर, जनपद गाजीपुर का रहने वाला हूं। मैं पूर्व अध्यक्ष स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर, पूर्व प्रमुख महासचिव समाजवादी पार्टी गाजीपुर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मर्दा तिर्थी समाजवादी पार्टी गाजीपुर और मुलायम सिंह यादव जी का मैं पूर्व यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष रहा हूं। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं दिल की अनंत गहराइयों से अपनी उम्र उनको लगाता हूं कि समाजवादी पार्टी की संकट की बेला में हम जैसे नौजवानों को आपने याद किया है, तो मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव बनाए हैं आप, और आपके आदेश का अक्षरशः पालन करता रहूँगा। इस बात को मैं माननीय जिला अध्यक्ष गोपाल यादव जी और परम मित्र संघर्षों के साथी जिन्होंने राजनीति में हमें ककहरा पढ़ाया, भाई रविंद्र प्रताप यादव जी मेरे बगल में बैठे हैं, मैं इनका आजीवन ऋणी हूँ। मैं जब चुनाव लड़ रहा था छासंग का सामंतवादियों के खिलाफ, जिसमें कोई बैकवर्ड का पर्चा नहीं भरता था, लेकिन रविंद्र यादव जी ने इस बात का कहा और बगल में बैठे हुए इस बात की गवाही कर रहे हैं कि शिव प्रसन्न यादव तुम चुनाव लड़ो, जान रहे या जान चले जाए, छात्र संघ पर कब्जा करना है। उस तेवर को भी हम लोगों ने देखा है। गोपाल यादव जी भी छात्र संघ महामंत्री का चुनाव लड़े हैं, बीएचयू में रहे हैं, इन्होंने इनका भी राजनीति का लंबा अनुभव है। हमारे साथ रामदर्श यादव जी प्रिंसिपल बैठे हैं, जो हम लोगों को ताकत देने का काम करते हैं। विद्यालय पर बैठते हैं तो ताकत देने का काम करते हैं। जो पद हमें मिला है प्रदेश सचिव का, पीछा प्रकोष्ठ का, मैं समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा होगा, लोकसभा का जो एजेंडा होगा, इन लोगों के नेतृत्व में भाई परम मित्र संघर्षों के साथ ही चंद्रबली यादव जी बैठे हैं, इन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा को बुलंद कर दिया। जैसा कि बीजेपी पार्टी से मनोज सिन्हा जी को जिला में जो है कि टिकट मिलने जा रहा है, सपा पार्टी से जिसको भी मिले, तो क्या जो है कि इस लहर में आप लोग जो है कि रोक पाएंगे इनके चुनाव को? हम लोगों उससे कुछ नहीं मतलब है, इसलिए नहीं मतलब है कि हम लोगों ने सामंतवादियों के खिलाफ चुनाव लड़ा है, जिसमें गवाह है रविंद्र प्रताप यादव जी ने। किसी को भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मिले उससे नहीं मतलब है। हमको समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को गाजीपुर जनपद में जिताना है और जिता करके और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है। जहां भी जिम्मेवारी मिलेगी, समाजवादी पार्टी के नेता इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इस बात को कहा करते थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी कि सबसे बड़ा नेता वही है जो अपने बूथ को जितवा दे। तो हम भले ही प्रदेश के सचिव हैं, लेकिन जहां भी जिम्मेवारी मिलेगी बूथ को जितवाने की, बूथ पर तन मन धन से लगा रहूंगा। विधानसभा में जिम्मेवारी मिलेगी वहां भी तन मन धन से लगा रहूंगा, और मेरे साथ जितने लोग बैठे हैं संघर्षों के साथी, भाई रामनारायण यादव जी, जंगीपुर विधानसभा में भाई रविंद्र प्रताप यादव जी, भाई राम अवतार यादव जी, राजेंद्र यादव जी, अशोक यादव जी, कुंदन यादव जी, लालू प्रसाद यादव, जो मेरा संघर्षों के साथी तो नहीं रहा लेकिन राजनीति में आने पर बहुत ही मैंने मजबूत और मदद करने का काम किया। तो मैं पूरी समाजवादी एजेंडा को इन लोगों को लेकर के जहां जिम्मेवारी मिलेगी, भाई बंसराज यादव मीडिया के प्रभारी जरूर हैं, सबके प्रभारी हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से हम लोगों की मदद करने का काम करते हैं। तो मैं जो भी एजेंडा मिलेगा समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव 2024 का, उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। सभी के नेतृत्व को में लेकर के भाई बलवंत यादव कुंजर सभी के नेतृत्व में लेकर के धरातल पर उतारने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सभी मीडिया चैनल का, भाई बंसराज जी का और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करते हुए, मैं दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं कि आपने संकट की बेला में हमें याद करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। चलिए साथियों, ऐसे तो 50 लाख लोग देखते हैं और कई देशों के लोग देखते हैं, लेकिन जो गाजीपुर जिले के लोग हैं वो बताएं कि आखिरकार
जी हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष हैं, क्या आप कहना चाहेंगे 2024 के चुनाव के लेकर? देखिए, जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, इस देश के राष्ट्रपिता ने बयान दिया था करो या मरो। तो हम लोग समाजवादी लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, छात्र संघ के कोख से पैदा हैं, प्रधान से लेकर जिला पंचायत तक की सारी जिम्मेदारी हम लोग निभाए हैं और उसी मार्गदर्शन पर चलकर ये जो भारत में फीका परस ताकते हैं, इनको हम लोग इस बार 2024 में हमेशा हमेशा के लिए विदा करके संकल्प करके घर से निकले हैं। जैसे आज जिनको पद ग्रहण करवाया गया है, तो क्या लगता है कि ये लोग जो है कि धरातल पे उतर पाएंगे खड़े? हाँ, ये बहुत ही नौजवान संघर्षशील, आप शिवप्रसन्न जी पीजी कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष गोपाल जी हैं, ये भी संघर्ष छात्र संघ के कोख से पैदा हैं, रामदरस जी हैं, वो भी जमीनी नेता हैं, आप सीमा जी पूर्व चेयरमैन रही हैं, सारे एक से एक हमारे दस्ते में लायक लोग हैं जो हम कामयाब होंगे और भारत की, यानी कि 2024 के चुनाव में गाजीपुर का चुनाव निकाल देंगे आप लोग? हम तो 2019 भी जीते और ये 24 भी जीतेंगे और 22 में सातों की सात सीट भी हमने जीता है। तो गाजीपुर में चाहे जो भी आए, यहाँ निश्चित ही अब तक का इतिहास रहा है कि समाजवादी ही पंचम फारा है और पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 24 में भी फारेगा चाहे जो भी आए। चलिए साथियों, जो है कि लगातार हम चुनावी चर्चा के माध्यम से आपको दिखाते रहते हैं कि आखिरकार जो है कि गाजीपुर में किसका माहौल बन रहा है, लेकिन आप गाजीपुर की जनता हैं और आप बताइए कि आखिरकार जो है कि सपा का इस बार क्या रोल रहेगा, क्या जो है कि गाजीपुर से निकाल सकती हैं सीट, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।